आईटीवी के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। जेजेपी ने कार्तिकेय शर्मा को समर्थन का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कार्तिकेय शर्मा HJPV के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं। वहीं मां शक्तिदानी शर्मा अंबाला की मेयर हैं। कहते हैं ना कि एंट्री जबरदस्त होनी चाहिए। हरियाणा के राज्यसभा चुनावों में भी आज एक ऐसी एंट्री हुई है जिसने कि तमाम चुनाव लड़ रही पार्टियों के सियासी समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। जी हां, हरियाणा के राज्यसभा चुनावों के लिए 10 तारीख को यानी कि 10 जून को वोटिंग होनी है। ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा की ओर से नामांकन जो है वो दर्ज किया गया है। धमाकेदार एंट्री है सर, लेकिन क्योंकि चुनाव है, अंक गणित तमाम चीजें रहती हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजीज जो है बनाई गई इस पूरे चुनाव को लेकर? ये चुनाव है तो चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी होएगी जब वोटिंग होएगी, और चुनाव में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी बात रखे, जिन लोगों से वो वोट मांग रहा है अपना विजन शेयर करे और बताए कि वो क्या करना चाहता है अपने राज्य के लिए, और अगर लोग उनसे सहमत हैं उनकी पॉलिसीज से, उनकी सोच से कि वो क्या बदलाव लाना चाहते हैं, तो उनके लिए वोट करेंगे। तो मैं भी यही उम्मीद कर लेके आया हूँ राजनीति के अंदर कि कुछ बदलाव लाएंगे और कुछ अच्छा करेंगे अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए। आप समाज सेवा के साथ जुड़े रहे हैं, आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, आप हरियाणा से आते हैं, और आपके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जो काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो IMT हो चाहे रिजर्वेशन को लेकर हो, क्या विजन कार्तिकेय शर्मा जो है राज्यसभा में लेकर जाएंगे, तमाम उन विधायकों के पास लेकर जाएंगे कि हाँ, क्योंकि तमाम विधायक ये पूछेंगे कि अगर भेजा जाता है तो क्या काम किए जाएंगे, तो क्या विजन कार्तिकेय शर्मा लेकर? देखिए, मैं राजनीति में नहीं हूँ, ये सही बात है कि मैं राजनीतिक परिवार से हूँ, पर मैंने पिछले 20 साल से मैं राजनीति में सक्रिय नहीं था। मैं अपना काम करता था, मीडिया का काम करता था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि अब समय आ गया है कि मुझे अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और जो मेरा अनुभव रहा है पिछले 20 साल का स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में, मीडिया की इंडस्ट्री में, और जो हम सामाजिक काम करते हैं रहे हैं एजुकेशन को लेकर, बच्चों की एजुकेशन को लेकर, इसको जॉब ट्रेनिंग को लेकर और वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर और हेल्थ कैंप्स को लेकर, उन सब चीज़ों के ऊपर काम करना चाहेंगे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, उन चीज़ों पे काम करना चाहेंगे। जो मेरा अनुभव है पिछले 20 साल का, उसका मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा अपनी अपने प्रदेश के लिए और अपने लोगों के लिए। दोपहर 1:30 बजे तक बड़ा एक स्मूथ इलेक्शन देखा जा रहा था, दो पार्टियाँ उम्मीदवार उतार दिए, कांग्रेस से अजय माकन आए, दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से जो है उम्मीदवार उतारा गया, लेकिन एक एंट्री हुई है। अब जेजेपी का समर्थन मिला है, निर्दलियों का समर्थन आपको मिला है, क्या कहेंगे सर उन तमाम विधायक? देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि चुनाव प्रक्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, हमारे को इस बात का एहसास दिलाने के लिए और समझने के लिए कि हमारी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, हम किन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, और उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्या समस्याएं हैं, आप किस इलाके के हैं, किस क्षेत्र से आए हैं, उस इलाके की क्या समस्याएं हैं, आपका जुड़ाव होना चाहिए, आपका लोगों से संपर्क होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो शायद आप उतना नहीं कर पाएंगे। और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो कैंडिडेट सामने हैं, शायद उनको इतना आभास नहीं है हरियाणा के बारे में, वो बाहर से आए हैं, दिल्ली के हैं, तो मुझे लगा कि मेरे को अपने राज्य के लिए करना चाहिए, और ये सही समय है, और इसी सही समय को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है। तमाम 90 के 90 विधायक आपको इंडिया न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे सर? मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि मैं जिस सोच को, जिस की वजह से मैं राजनीति में आया हूँ, उसको उनके समक्ष रखना चाहूँगा, उनको बताना चाहूँगा कि मैं, अगर वो मुझे वोट देंगे तो मैं क्या करूँगा। क्योंकि देखिए, एक बात तो तय है कि हरियाणा के लोगों ने वोट दी हरियाणा के MLA को, अब हरियाणा के MLA चूज करेंगे हरियाणा के राज्यसभा MP। कार्तिकेय शर्मा है साफ तौर पर जिनका ये कहना है कि हरियाणा के युवाओं की बात की जाएगी, और इसी के साथ साथ तमाम विधायकों से अपील की गई है कि वो तमाम चीजें देखकर समझकर, तमाम समीकरणों को समझते हुए ही वोट करें। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज चंडीगढ़। तो